अभी बन रहा है यहाँ पर पनीर मसाला डोसा। तो दोस्तों, हम लोग भारत के दूसरे सबसे बड़े शिव मंदिर, सबसे ऊंचे शिवलिंग में दर्शन करने के बाद हम लोग आ रहे हैं, लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। ये नामकुम चौक है और यहाँ पर हम लोग जब गन्ने का जूस पी रहे थे तो हमें एक ये फूड स्टॉल नज़र आ गया जो ठेले में है और ये साउथ इंडियन डिश बनाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी हाइजीन देखकर, इनकी साफ़ सफाई देखकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना खाया जाए। अरे वाह, देखिए बोलबम का एक कार जा रही है, कितनी सुंदर कार है, किस तरह से सजाया है इन लोगों ने, पूरा मंदिर ही सजा दिया 800 को। वाह वाह, शिव भक्त की कार। अब बैक टू फूड में आ गए हम लोग और फूड में जाके देखते हैं कि अभी हम क्या है? हमारा तो पेट भरा हुआ है। शांतनु जी हैं, शांतनु जी यहाँ के हेड कुक है और ये एक बंगाली फैमिली है, सारे लोग एक ही फैमिली के हैं और सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक चलाते हैं। और संडे को तो आप समझो कि इतना रश रहता है कि बोले कि उनको काउंटर छोड़ने की फुर्सत नहीं रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर शांतनु जी हैं, ऑनर हैं इस दुकान के। शांतनु जी, दुकान का नाम क्या है, कब से खुली है दुकान? ये दुकान सर 1 साल पहले खुली है। हाँ। अन्नपूर्णा साउथ इंडियन स्टॉल नाम है दुकान का। अच्छा। और ये है हमारे बाजार, नामकुम बाजार के पास। अच्छा, अच्छा। जी। और सुबह कब से कब तक? 7 बजे से 5 बजे तक, शाम 5 बजे। नहीं नहीं सर, हर दिन। अरे वाह, हर दिन आप लोग सेवा कर रहे हैं। जी। अच्छा, अभी हमारे लिए क्या स्पेशल हो सकता है, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, अब आप बताइए कि मैं क्या खाऊं? आप खाइए सर, पेट भरा हुआ है तो स्पेशल डोसा खाएंगे तो बहुत हेवी हो जाएगा। हाँ। आप इडली वड़ा खा सकते हैं। इडली वड़ा? जी। तो ये आकाश हैं और इडली के बहुत बड़े बर्तन, इस बर्तन को क्या बोलते हैं? इडली बर्तन। ये इडली बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है ये, और उसमें से दोडली निकल गया, अभी सांभर लग रहा है मेरे लिए। और ये इनकी बादाम वाली चटनी है ना। वाह, इसके साथ क्या लगेगा? प्याज लग रहा है और थोड़ा सा रोस्टेड बादाम, मूंगफली, ये हल्का नमक, ये होममेड मसाला, होममेड मसाला है इनका, जो चाट के जैसा आएगा, मजा भी फील होगा। वाह, देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है। ये स्पेशल चटनी, ये स्पेशल चटनी किस चीज की है? ये रिमिक्स चटनी। रिमिक्स? रिमिक्स। इमली तो नहीं है? इमली नहीं है। ठीक है, चलिए इनका स्पेशल रिमिक्स चटनी है। ओहो, गरम है बहुत अच्छा। और इनका इडली का स्पेशल प्लेट भी है, गाढ़ी वाली। और ये मसाला डोसा बना रहे हैं दूसरे कस्टमर्स के लिए, शांतनु जी हैं। आप देख सकते हैं माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ का, खाने का साफ सफाई काफी अच्छी है, जगह स्पेशियस है। टेस्टी है। वाह, ये दो इडली इस तरह से चाट के जैसा पूरा बना हुआ है और ये सिर्फ 20 रुपए की है। आइए बैठ कर खाते हैं। वाह, आज क्या हुआ है, नाश्ता स्ट्रीट फूड से शुरू हुआ, चाय भी स्ट्रीट फूड में लिया हमने, गन्ने का जूस भी ले लिया और हमारा ये इडली जो है यही लंच हो जा रहा है, क्योंकि पेट पूरा फुल हो जाएगा।